सो गाइस चलिए फटाफट से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालेंगे 530 एंड स्टॉप लॉस भी डाल देते हैं, टारगेट भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी इसको बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, अभी पहले ऑर्डर लगा देते हैं। सो गाइस ऑर्डर हमने लगा दिया है। अभी देख सकते हैं 540 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले ग्रुप में अपडेट करेंगे। आज थोड़ा सा आपको नॉइज़ आ सकती है क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी नॉइज़ आपको ज़्यादा आएगी, तो मैनेज कर लेना हल्का सा। देखते हैं कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है ये। चलिए ग्रुप में अपडेट करते हैं पहले इसको। सो गाइस ये अपना टेलीग्राम चैनल है और ये ग्रुप में हमने अपडेट कर दिया है। चलिए वापस से अपनी पोजीशन को देखेंगे। तो पोजीशन अभी चल रही है 534 के आसपास, ऑलमोस्ट जहाँ पे एग्जीक्यूट होना है वहीं पे चल रहा है प्राइस। देखते हैं कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। जैसे ही एग्जीक्यूट होता है आप सभी को अपडेट करता हूँ मैं। अभी 533-534 के आसपास प्राइस चल रहा है, वेट करते हैं। सो गाइस ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं 530 की हमारी बाइंग है। चलिए एक बार स्टॉप लॉस को देख लेते हैं, हम मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको। 530 की बाइंग है तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो 500 का होगा एंड टारगेट जो होगा वो 630, 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, 630 एंड 500 अपडेट कर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप 100-150 रुपये का लॉस चल रहा है, वेट करेंगे, देखते हैं जो भी होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को। चलिए एक बार ग्रुप में भी अपडेट कर देते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, वहाँ पे अपडेट मैंने किया नहीं है। तो ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, अब वेट करते हैं, देखते हैं ऐसा हिट होता है या फिर टारगेट आता है। सो गाइस 500 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड लिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इसकी हाई की बात करें तो 560 के आसपास का इसने हाई लगा दिया है। तो अगर देखें तो इसने हमें जो है 30 पॉइंट देते देते रह गया, ये 557 का इसका हाई है। एक बार हम इसमें अंदर जाके भी चेक करेंगे। अभी देख सकते हैं 500 के आसपास प्लस प्रॉफिट चल रहा था और इसके हाई की बात करें, अभी कैंडल रिफ्रेश होने तो फिर बताता हूँ आपको इसका हाई, अभी पता चल जाएगा। तो इसने अपना हाई जो लगाया है वो 557 ही लगाया है, यानी कि 530 पे हमने लिया है। तो जैसे ही ये 560 को क्रॉस करेगा तो हम ग्रुप के अंदर अपडेट करेंगे। और अभी देख सकते हैं 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है 600, तो वेट करते हैं। जैसे ही ये 750 को क्रॉस करेगा तो फिर हम जो है ग्रुप में अपडेट करेंगे। सो गाइस देख सकते हैं 700-900 भी प्लस हो गया है, नया हाई भी इसने अपना लगा दिया है। नया हाई जो है 567 यानी कि 670 के आसपास का है। तो चलिए फटाफट से ग्रुप में अपडेट करते हैं, 30 पॉइंट प्लस हो गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 30। चलिए वापस चलते हैं पोजीशन में। तो अभी देख सकते हैं 1000 प्लस हो गया है हमारा प्रॉफिट, और दोबारा इसको हम अपडेट करेंगे जब ये 1500 को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि अभी 530 की हमारी बाइंग है। तो 560 एंड 590 को जैसे ये क्रॉस करेगा तो हम दोबारा अपडेट करेंगे। अभी अगर नए हाई की बात करें तो इसने जो अपना नया हाई लगाया वो 580 लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो वेट करते हैं, जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी को। ठीक है, अभी 570 के आसपास प्राइस चल रहा है और जैसे ही अपना नया हाई लगाएगा तो मैं अपडेट करूंगा आपको। अभी 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइज़ आप सभी के साथ एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। बात यह है कि मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अभी 2 से 3 दिन मैं थोड़ा बाहर ही रहूँगा, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो है रिक्शों का काम है, मतलब गैराज है रिक्शे का। तो पापा जो है थोड़ा गाँव गए हुए हैं कुछ काम से, तो जिस वजह से मुझे यहाँ गैरेज पर आना पड़ रहा है। तो शूटिंग यहीं बाहर ही होगी और अभी तो थोड़ा व्हीकल्स वगैरह कम है, मतलब गाड़ियां वगैरह कम निकल रही हैं यहाँ से, क्योंकि ये रोड भी बंद कर रखा है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शन है तो उसका रिजल्ट आना है आज। तो एक दो दिन थोड़ा सा नॉइज़ आपको आएगी, तो इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि घर में तो काफ़ी नॉइज़ मतलब कंट्रोल हो जाती है, बट यहाँ बाहर जब भी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो यहाँ पर कई बार गाड़ियों की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलना, बस यही बोलना था आप सभी को। और बाकी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आप सभी के डाउट वगैरह हो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं अपने लाइव लेवल्स भी शेयर करता हूँ जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ।
और जो भी आप सभी के डाउट होंगे उनका भी रिप्लाई मैं धीरे धीरे करूँगा, और आगे चल के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका भी जवाब दीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये करेंगे कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने भी कुछ टाइम पहले आप सभी से एक दो पोल में पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक कोर्सेज़ लिए हैं, और कोर्सेज़ लिए हैं तो वो मतलब आपके लिए बेनिफिट्स रहे हैं, लॉस हुआ है आपको, प्रॉफिट हुआ है। तो जिन लोगों ने मतलब जिनके पास 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है या 6 महीने का साल का, तो उस ग्रुप के अंदर हम जो है डिस्कशन करेंगे, ताकि जो भी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, जैसे मैं 2-4 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ टोटल, मैं भी मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, 1 से 2 साल ही हुए हैं अभी, फरवरी में जनवरी के मंथ में मुझे कंप्लीट 2 साल हो जाएंगे, तो अभी मतलब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो उस ग्रुप के अंदर हम जो है धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, और जो भी बेस्ट लगेगी मुझे स्ट्रेटजी तो वो मैं आप सभी को शेयर करूँगा। जैसे आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं उसको देखूँगा, और अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है इसमें ड्रॉबैक ज़्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे आप सभी के साथ उसको शेयर करेंगे। वो यही एक इम्पोर्टेंट बात थी, तो आई होप कि आप लोग ज़रूर समझेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप अपडेट कर सकते हैं मुझे। और अभी अगर नए हाई की बात करें तो अभी तक इसने नया हाई नहीं लगाया है, 570 के आसपास प्राइस चल रहा है, और 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट है अपना 1000, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है स्ट्रेट में अपना। सो गाइस अभी पोजीशन हमारी न्यूट्रल आ चुकी है, देख सकते हैं आप, जो भी 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था वो एकदम न्यूट्रल हो गया है। तो मे भी हो सकता है SL में हिट हो जाए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मार्केट वहाँ से गिरी है एकदम से, एक ही कैंडल में या 2 कैंडल में, तो वेट करते हैं जो भी होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको अपडेट करता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं मैंने बोला है कि हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो अभी हम इसको ऑन कॉस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने जो है हमें अभी 50 पॉइंट ही दिए हैं, और ऑन कॉस्ट मैं तब लगाता हूँ जब कम से कम ये 70 पॉइंट हमें दे दे, 70 पॉइंट के बाद ही हम इसको ऑन कॉस्ट रखते हैं। तो अभी हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, जो भी होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को, वेट करिए। अभी फिर से न्यूट्रल आ गया है। सो गाइस अभी दोबारा से हमारा प्रॉफिट जो है एक बार न्यूट्रल के बाद 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी आपके सामने ही मैंने देखा था, दिखाया था आपको कि न्यूट्रल हो गई थी पूरी पोजीशन, और अभी 2 से 3 मिनट ही होंगे उस बात को, और अभी दोबारा से 1000 के आसपास प्रॉफिट हो गया है, और अब मुझे लगता है नया हाई भी ये लगा देगा। अभी 570-72 के आसपास चल रहा है, तो वेट करेंगे देखते हैं, जब भी नया हाई लगाता है तो अपडेट करता हूँ आप सभी को। मे बी अभी आपसे बात करते करते ही लगा दे, अभी 580 का ही हाई है और अभी 71 चल रहा है, देखते हैं जो भी होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को। सो गाइज अभी स्ट्रेट को लिए करीब आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे में इसने जो है 2 राउंड ऊपर लगा दिए हैं, 2 राउंड नीचे लगा दिए हैं, यानी कि 2 बार हमें 1100-1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया है, और 2 बार न्यूट्रल हो गया है। अभी पोजीशन हमारी 400-500 रुपये के आसपास चल रही है, 560 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बाकी तो मार्केट है कुछ भी हो सकता है, वेट करते हैं। सो गाइस अभी फिर से जो है पोजीशन न्यूट्रल आ गई है, और वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इस वॉलीटिलिटी के चक्कर में मुझे लग रहा है कि SL हिट ना हो जाए, क्योंकि बाद में जो है मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन एट दी एंड अपसाइड ही जाना है मार्केट को। लेकिन इस वॉलीटिलिटी के चक्कर में जो है SL हिट नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी तो यही है, मुझे लग रहा है कि SL हिट हो जाएगा, क्योंकि अप डाउन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन मैंने काफ़ी सोच समझ के पोजीशन वहाँ पर बनाई है, और SL भी ऐसी जगह रखा है कि पूरे पूरे चांस हैं कि वहाँ पर SL हमारा नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने जो है एक्चुअल में ये ट्रेड जो है मैं 540 पे बाय करने वाला था, लेकिन 540 के बाद जब मैंने देखा कि स्टॉप लॉस तो यार बेटर जो है इसका 500 ही रहने वाला है, तब फिर मैंने इसको मॉडिफाई करके जो है वो 530 का इसमें मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट ऑर्डर जो है मैं जब 530 पे इसको खरीदूंगा तभी मैं अपना जो है 500 का स्टॉप लॉस लगा पाऊंगा। तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। सो गाइस स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हो सकता है वॉलीटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करवाया इस ट्रेड ने हमें, 2 बार प्रॉफिट में गया, 2 बार लॉस में गया, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं, मार्केट है, स्टॉप लॉस तो होता ही है। चलो वेट करते हैं कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मैसिव फॉलिंग आई है, और ऐसा ये क्यों हुआ है मैं इसका पीछे का रीज़न भी आपको बताता हूँ। देख सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। अब ये हुआ ये कि यहाँ पर सस्टेन करते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, जैसे ही यहाँ पे सस्टेनिंग स्टार्ट की होगी तो बहुत सारे लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, जैसे कि मैंने बनाई थी, ऐसी बहुत से लोगों ने बनाई होगी। तो ये क्या है कि ये सब ऑपरेटर का गेम है, और जो भी बड़े लोग सोते हैं उन सभी को पता था कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने पोजीशन बनाई है, और इसीलिए उन सभी का स्टॉप लॉस खाने के लिए ये इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ से तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो मार्केट नीचे ही जाएगी, अब देखते हैं लेकिन आगे क्या होता है, वेट करते हैं। सो गाइस सेकेंड ऑर्डर मिल चुका है, चलिए फटाफट से इसमें ऑर्डर लगा देते हैं, एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे,
535 के रेट से लगा देते हैं। स्टॉप लॉस होगा अपना वही 6% एंड टारगेट होगा अपना वही, चलो अभी 10% ही रख देते हैं क्योंकि ऑर्डर प्राइस आ रहा है, ठीक है वहीं चल रहा है ऑलमोस्ट। तो गाइज ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, चलिए फटाफट से इसको मॉडिफाई कर देते हैं एक बार। 535 पे बाइंग हुई है ना अपनी, हाँ 535, तो 505 का इसमें अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है एंड टारगेट जो होगा 635, ठीक है चलिए फटाफट से ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। सो गाइस ये अपना टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे अपडेट कर दिया है मैंने, चलिए देखते हैं पोजीशन को। सो अभी न्यूट्रल पोजीशन चल रही है, वेट करेंगे जो भी होता है अपडेट करता हूँ आप सभी को। सो गाइस अभी इसमें हमें 500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, अभी 600 का भी इसने शो किया था और नए हाई की बात करें तो 564 का हाई लगा चुका है और देख सकते हैं अभी अपना जो लॉस चल रहा था वो पूरा न्यूट्रल प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से ग्रुप में अपडेट करते हैं कि यहाँ पे हमें जो है 30 पॉइंट प्लस मिल रहे हैं। सो गाइस ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, चलिए पोजीशन को देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है वहाँ से, जैसा कि मैंने बताया था अभी 500 के प्रॉफिट में आ गए हम और नए हाई की बात करें तो इसने लगा दिया है 92 का और 3 पॉइंट रह गया था सिर्फ 60 पॉइंट देने से। तो जैसे ही 95 से ऊपर जाता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी देख सकते हैं आप। सो गाइस 60 पॉइंट भी दे दिए हैं इसने, काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया है मैंने ये, अभी लगता है कि अपन भी थोड़ा थोड़ा सीख गया है मार्केट को, 60 पॉइंट प्लस हो गया है। अभी अगर इसके नई की बात करें तो इसने अपना जो नया हाई लगाया है 600 का लगा दिया है, तो जैसे ही ये 605 का हाई लगाएगा तो फिर हम यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट रखेंगे। तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी इसने हमें कितने पॉइंट दिए, आई थिंक 65 पॉइंट्स इसने हमें दिए हैं 600 का, क्योंकि इसने हाई लगाया। हाँ तो जैसे 70 पॉइंट हम प्लस होंगे तो इसको ऑन कॉस्ट रख देंगे, फिर इसमें लॉस नहीं लेंगे। पहले मैं इसमें टारगेट चेंज करूँ, मुझे लगता है टारगेट नहीं सही लगाया हुआ है मैंने 635 का, 535 की बाइंग है इसमें हमारी, ठीक है। तो अभी नया हाई लगाने जा रहा है ये, देख सकते हैं लगा दिया इसने 606। अभी हम इसको जो है ऑन कॉस्ट रख देते हैं फटाफट से, अब इसमें हम लॉस नहीं लेंगे, 535 ही लगा देते हैं जिस प्राइस पे हमने बाय किया था। आज मैं बाहर हूँ तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, 24% के आसपास बैटरी बची है और नए हाई की बात करें तो 613, 626 ऑलमोस्ट। सो गाइस टारगेट हिट होने वाला है हमारा, इसने टारगेट प्राइस को बफर कर दिया है, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कम पैसों के चक्कर में। अभी इसने नया हाई लगा दिया है बट मेरा ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ है, ऑर्डर एग्जिट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पहले तो ये ट्रेल होगा। सो गाइस ऑर्डर एग्जिट हो चुका है, देख सकते हैं 645 के रेट से एग्जिट हुआ है और प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें हो गया है, देखते हैं। हाँ 645 के रेट से हुआ है और 2000 का हमने प्रॉफिट किया है और नए हाई की इसकी बात करें तो 635 का टारगेट था और 663 का इसने हाई लगा दिया, तो काफ़ी बहुत ही जिगजैग वाला ट्रेड था, दिन था आज, देख सकते हैं। दूसरा ट्रेड विद इन मुझे लगता है 5 मिनट ही हुए होंगे, हमने बाय किया था 10:48 पे और हमने एग्जिट कर दिया है 10:53, यानी 5 मिनट में इसने हमें टारगेट दे दिया है। प्राउड हो रहा है मुझे अपने ऊपर, धीरे धीरे काम करना सीख गया हूँ मार्केट में। चलो ग्रुप में भी एक बार अपडेट कर देते हैं कि टारगेट हिट हो चुका है हमारा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी आज की, आई होप आपको मज़ा आया होगा। पहले ट्रेड में भी हमें कम से कम 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बट वो वहाँ से रिटर्न हो गया था, दो बार प्रॉफिट में गया, दो बार लॉस में गया और फिर जो सेकंड ट्रेड हमने लिया आप देख सकते हैं कितना फास्ट उसमें मूव आया कि हमने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते के साथ ही 5 से 6 मिनट के अंदर हमें हमारा टारगेट भी मिल गया, तो हमारा 750 का लॉस था
और सेकंड ट्रेड GTT में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक बार उसने 640 का हाई लगाया था और 640 का हाई लगा के सडनली वापस आ गया था। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस पहले ट्रिगर होता है और उसके बाद एग्जिट होता है, तो अगर एग्जिट होने के टाइम पे अगर प्राइस वापस आ जाता है तो उस प्राइस पे भी कर देता है, लेकिन फ्लक्चुएशन इतनी तेज़ थी कि ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होने के साथ मतलब ट्रिगर हो ही नहीं पाया 640 पे। फिर जब दोबारा उसने हाई लगाया उसके बाद वो ट्रिगर हुआ। अब ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अपने पास फंडिंग कम है, मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये के आसपास हैं, इससे ज़्यादा अभी है नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ, करीबन 1-1.5 लाख रुपये से ऊपर का अमाउंट मेरा लॉस हो चुका है अभी तक 2 सालों में। लेकिन अब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मार्केट में, डिसिप्लिन से अब ट्रेड कर रहा हूँ और इसमें कुछ ना कुछ आपका भी हाथ है क्योंकि मेरे पास थोड़ा पैसा ख़त्म हो गया था पिछले महीनों में, क्योंकि मैंने अगस्त और सितंबर के महीने में जो है रियल अप ट्रेड किया था तो पूरा अगस्त के महीने में मेरा काफ़ी नुकसान हुआ और सितंबर के महीने में भी हुआ, फिर अक्टूबर और नवंबर मैंने बंद कर दिया। बट हुआ ये कि मैंने सोचा यार बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तब फिर मैंने जो है वर्चुअल अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो आप में से काफ़ी सारे लोग नए हैं जिनको कि मे बी शायद ये भी नहीं पता था कि वो वर्चुअल अकाउंट है, बट आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, लेकिन आप में से ही काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे मुझे मोटिवेट किया कि ये वर्चुअल, मतलब जैसे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें तो पता होता है कि कौन सा अकाउंट वर्चुअल है कौन सा रियल है, तो बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट आते थे, मतलब कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोला करते थे कि यार ये तो वर्चुअल अकाउंट है और इसमें तो कोई भी प्रॉफिट बना लेगा। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको दिल से इतना मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फैमिली से भी ज़्यादा मैं ट्रेडिंग को इंपॉर्टेंस देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ये मेरे ख्याल हैं, मतलब मैं ट्रेडिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उन लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे भी यार गुस्सा आता था कि मैं इतनी मेहनत से वहाँ पर ट्रेडिंग करके अमाउंट आपको दिखा रहा हूँ, लॉस है प्रॉफिट है, बेशक मैं मानता हूँ वर्चुअल अमाउंट है वो, बट मैं अपना पूरा दिन वहाँ पे लगा रहा हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वहाँ पे मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। हाँ वो अलग बात है कि वहाँ पे यार पैसे ख़त्म हो गए थे इसी वजह से मैं रियल अमाउंट से नहीं कर पाया, लेकिन फिर उन्हीं कमेंट को पढ़ पढ़ के मैंने कहा यार ये बात तो सही है कि अगर मैं मार्केट में कुछ कर रहा हूँ तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूँगा तो आप लोग तो कभी ट्रस्ट करोगे नहीं। तब फिर मैंने कैसे ना कैसे उसमें 15-20 हज़ार रुपये की मैंने इंतजाम किया, मतलब 10-1 हज़ार तो पहले से थे डिमेट के अंदर और 15 हज़ार के आसपास और मैंने डाले उसमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, और मैंने कहा यार 30 हज़ार का अमाउंट है और इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ट्रेडिंग करूँगा एक लॉट से करूँगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट पूरा डिसिप्लिन के साथ करूँगा। तो अभी आई थिंक किस्मत थोड़ी सही चल रही है, अभी प्रॉफिट हो गया आज भी, कल भी प्रॉफिट, कल न्यूट्रल था, कल मतलब ट्रेड ही नहीं लिया था हमने, तो काफ़ी डिसिप्लिन है। मैं भी यार ट्रेडिंग में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझे लगता है ट्रेड नहीं किया मतलब कुछ किया ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ा इतना डिसिप्लिन आ गया इतना नुकसान कर करके, अभी भी बहुत लॉस में हूँ मैं, अभी टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे वीडियोस बनाऊँगा, काफ़ी लॉस में हूँ ऑल ओवर, अगर 1.5 लाख से ऊपर का है अगर मैं ऑल ओवर कभी P&L आपके साथ शेयर करूँगा, तो अभी तो बाहर हूँ इसलिए नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि जो भी मैं अपने लेवल शेयर करता हूँ वो आप भी उनमें ट्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा बना सको। तो जो कोई कमेंट हो आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, एंड जो व्हाट्सअप वाली बात बोली थी मैंने वो भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो व्हाट्सअप आप तभी ज्वाइन कर पाओगे जब आप टेलीग्राम में होगे। तो यही आज की वीडियो थी, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, ओके थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।